इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सेल्स इंजीनियर तौफिक से, जो आपकी हर एक इंक्वायरी का रिप्लाई देता है और हर एक कस्टमर से इंटरेक्ट करता है। तो ये सेल्स इंजीनियर के लिए आज कौन कौन से मुश्किल सवाल है जो कस्टमर उसे पूछते हैं, और उसी के बारे में आज कुछ हम बात करने वाले हैं तौफिक से। तौफिक, तो अब आप बताइए कि आपको कस्टमर कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसका आप रिप्लाई करना मुश्किल समझते हैं या फिर आपको परेशान करते हैं। नमस्कार। बहुत सारे कस्टमर का ये क्वेश्चन होता है कि पावर सेवर के लिए मोटर तो दिया गया है, लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ है जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए पावर सेवर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जब कस्टमर मशीन परचेज करना चाहता है, उस वक्त उसे तय करना चाहिए कि मशीन का लेंथ कितना है। कस्टमर लेंदी लंबा मशीन या बड़ा मशीन परचेज कर लेते हैं, उसके जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन परचेज करना चाहिए। ज़्यादा लंबा मशीन परचेज कर लेने की वजह से 15-20 सालों तक कस्टमर का ज़्यादा पावर जाता है और उसका खर्चा बड़ा होता है। तो एक तो लेंदी मशीन परचेज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो मेरी है वो है कि मैकेनिज्म जो इसके ऊपर सब कुछ लगा हुआ है, उसमें कई जगह रोलर बेयरिंग, कई जगह थ्रस्ट बेयरिंग, कई चीज़ों का, जैसे कि ये दोनों स्क्रू है उसका अलाइनमेंट अगर ऊपर नीचे है और वो ऐसा मैकेनिज्म फिट करके आपको लेद बेच दिया है, तो क्या होगा? सालों तक वो आपका ज़्यादा एम्पियर लेगा। तो इस तरह से जो भी मैकेनिज्म इसके ऊपर लगा हुआ है वो अलाइनमेंट उसका सही होना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है, मशीन परचेज करते वक्त इसका भी ख्याल रखना है और मशीन बनाने वाले मैन्युफैक्चर को भी इस बात का ख्याल रखना है कि ये कुछ बातें हमारी कस्टमर को हर रोज नुकसान दिलाती है और उसका पावर कंज्यूम करती है। और भी एक बात है तौफिक, और वो बात कस्टमर ख्याल नहीं करते। बहुत से कस्टमर आज भी कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। तो कार्बन स्टील यूज़ करने से क्या होता है कि जो कट ले रहा है जब वो, तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा आता है और उसकी वजह से पावर ज़्यादा मोटर, तो आप कार्बाइड टूल्स का यूज़ करो। आज के दिन में कार्बाइड टूल्स यूज़ करना चाहिए या सिरामिक टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी है कि लेथ मशीन वेरिएबल ड्राइव वाली भी आती है, जिसमें बेल्ट से चलाया जाता है ड्राइव को, है स्पिंडल को, और एक गियर ड्राइव वाली भी आती है। तो आप अगर गियर ड्राइव वाली पसंद करते हो जिसमें बेल्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्लिपेज कम हो जाएगा। अगर स्लिपेज कम हो गया, गियर ड्राइव आपने पसंद कर लिया, स्पिंडल का टॉर्क बढ़ गया, तब क्या होगा, उस वक्त आपका मोटर कम पावर खर्च करेगा। तो यहाँ पे कस्टमर का हर रोज सालों तक फायदा होने वाला है। तो जब वो पसंद करता है तो उसे गियर ड्राइव वाली चीज़ पसंद करनी चाहिए। एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि बंका का जो मशीन है वो हैवी वेट में आता है, अगर मशीन हैवी वेट है तो पावर के लिए, कंजप्शन के लिए इसमें क्या है? मेरा मानना ये है कि मशीन का अगर वेट हैवी होता है तो ज़्यादा पावर लेता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए। ओके, ऐसा होता है कि तौफिक क्या कह रहा है कि अगर मशीन में वेट ज़्यादा है तो पावर भी ज़्यादा खर्च होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं पावर सेव, तो कैसे ये मुमकिन है? देखिए क्या होता है, मशीन का अगर जो भी सभी पुर्जे हैं, जो भी पार्ट है, उसमें दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है मूविंग पार्ट्स और एक है नॉन मूविंग पार्ट्स। तो दोनों पार्ट में से, जैसे कि लेग है, बेड है, ये हेड है, ये जो पार्ट है वो नॉन मूविंग पार्ट है, लेकिन ये कैरेज है, ये जो स्लाइडे है, ये एपरन है, गेयरबॉक्स है, तो ये सब जो पार्ट्स है वो एक तरह से मूविंग पार्ट है। तो जो हमने क्या किया है, हमारे जो भी मूविंग पार्ट्स है उसको जितना हो सके उतना लाइट बनाने का ट्राई किया है, और जो भी पार्ट ऐसा है जो मूविंग नहीं है, नॉन मूविंग पार्ट्स है, जो स्टेबल रहते हैं, उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा हैवी करने का ट्राई किया। तो तौफिक, आपका बात सही है कि मशीन हैवी है, लेकिन फिर भी बंका का मशीन पावर सेव करता है, क्योंकि उसके जो मूविंग पार्ट है उसमें लाइट वेट बनाया गया है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बंका का कंट्रोल पैनल बोर्ड जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ऑपरेटर के लिए? ऑपरेटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा हमें बताइए। देखिए, वैसे कंट्रोल पैनल
के साथ ऑपरेटर पूरे दिन जुड़ा हुआ रहता है, और अगर पावर सेवर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हमने एक कंट्रोल पैनल डेवलप किया है। वो कंट्रोल पैनल में क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए, अगर ये कंट्रोल पैनल में ऑपरेटर ज़्यादा पावर लेता है, जैसे ही वो डेप्थ ऑफ कट बढ़ाता है या मोटर को ज़्यादा लोड देता है तो वो शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को मैं दिखाता हूँ। देखिए, 2.7 एम्पियर ले रहा है, तो ये अगर नॉर्मल है ये, तो ये स्विच लाइट नहीं जल रहा है। अभी मैंने इसको हाई आरपीएम पे कर, देखिए यह लाइट जल गया। तो ये एक तरह से क्या है कि लाइट जलना और सायरन बजना, ये दोनों चीज जब ऑपरेटर काम कर रहा है और ओवरलोड मोटर को कर रहा है, उस वक्त एक लाइट होगा और सायरन बजेगा। इससे ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि मैं मोटर को हीट कर रहा हूं, मोटर को ओवरलोड कर रहा हूं, या मोटर को ज्यादा लोड दे रहा हूं, जिसकी वजह से ऑपरेटर तुरंत अपना डेप्थ ऑफ कट कम करेगा या फिर वो पावर सेव करने के लिए फिर से सोचने लगेगा। तो ये बहुत सस्ता सिस्टम है। इसको आप 4.5 एम्पियर से ऊपर जब भी आपका ऑपरेटर काम करेगा तुरंत ये बजर बजेगा। हालांकि उसका कट बंद नहीं होने वाला है, सिर्फ बजर बजेगा, जिससे उसे नोटिस होगा कि ये मैं कुछ डैमेज कर रहा हूं और कुछ नहीं है। और ये इसका लाइफ इतना है, 25 साल तक ये ठीक तरह से काम करेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग खर्चा है और लॉन्ग टर्म तक ये पावर बचाता है, तो ये इतना महंगा भी नहीं है। अगर ऑपरेटर कहीं किसी जगह पे कट लगा रहा है तो उसको कूलेंट पंप चालू करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है कि सोचता है कि उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए क्या होता है, कूलेंट अगर गिर रहा है टूल के ऊपर तो उससे जो टूल का शार्पनिंग है वो ज्यादा देर तक रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर शार्पनिंग चला जाता है टूल का तो यहां पे एम्पियर ज्यादा लेने लगता है मोटर और लोड बढ़ जाता है। टूल का शार्पनिंग ज्यादा जॉब्स बनाता है, ज्यादा जॉब तक टूल को शार्पनिंग करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो यह भी एक बात है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, कई बार ये अवॉइड करते हैं कूलेंट पंप लगाना। तो तौफिक, आज के लिए ये हमारा वीडियो यहां तक बहुत है, और दर्शकों को मेरा सुझाव है कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे कि बार बार जब हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो उन्हें ऐसे वीडियो YouTube नोटिफिकेशन से दिखाता रहे। थैंक यू।